बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज। तमाम सुनते हुए कानों को प्रोफेसर जवाद मुस्तफ़ा का सलाम। आज का हमारा ये वीडियो कंप्यूटर साइंस 10th क्लास पेपर पैटर्न और जो 2023 की पेयरिंग स्कीम है, हम वो डिस्कस करेंगे। तो बात शुरू करते हैं कि जब आप इस पेयरिंग के मुताबिक तैयारी करेंगे तो आप कम मेहनत से पूरे नंबर ले सकते हैं, तो इसे कंसीडर कीजिएगा। 10th क्लास पेपर पैटर्न और स्कीम की बात करें तो ये पेपर पैटर्न प्लस स्कीम आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। देखिए व्यूअर्स, आपका कंप्यूटर 10th क्लास पेपर जो है टोटल मार्क्स 50 होते हैं, जिसके तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट MCQs, दूसरा पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन और तीसरा पार्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आएंगे। देखिए मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया है। MCQs जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 10 मार्क्स के आते हैं। चैप्टर नंबर 1 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 2 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 3 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 4 से 2 MCQs और चैप्टर 5 से 3 MCQs आपके आएंगे। टोटल 10 MCQs आपके आएंगे 10 मार्क्स के। दूसरा पार्ट जो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है। हर पार्ट में 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और आपने 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। एक बात याद रखिएगा, हर पार्ट के 4 अटेम्प्ट करेंगे तो एक पार्ट कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं हो सकता आप क्वेश्चन नंबर 1 और जो है क्वेश्चन नंबर 2 यानी आप 6 कर लें और अगले के 2 कर लें, ऐसा नहीं होगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें चैप्टर नंबर 1 और 2 में से 3 और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से टोटल आपने 4 अटेम्प्ट करने होंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर 4 से आएंगे, चैप्टर 3 से 4 और चैप्टर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है आएंगे, टोटल 6 होंगे और आपने 4 अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर 4 और 5 के शॉर्ट हैं, चैप्टर 4 के 2 और चैप्टर 5 के 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो तीसरा पार्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन का आता है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और आपने उनमें से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। याद रखिएगा, कंप्यूटर साइंस में किसी लॉन्ग क्वेश्चन के कोई पार्ट नहीं होते, ए और बी पार्ट नहीं होगा, बल्कि कंप्लीट लॉन्ग होगा 8 नंबर का, और वो आप इनमें से कोई 2 अटेम्प्ट करेंगे तो वो आपके 2 लॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है लॉन्ग क्वेश्चन, पहला आपका चैप्टर 1 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन ऑप्शन है, या तो 2 में से या 3 में से आ सकता है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ये चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। बल्कि और क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका ये चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए अल मुस्तफा ग्लोबल विलेज सब्सक्राइब करें, ताकि जब हम इसके शॉर्ट MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डालेंगे तो आप तक एज सुन एज पॉसिबल मिल सके।